वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 16, जिसका नाम है डेप्रिसिएशन की इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में मैं बता रखा है, ऑन 1 अप्रैल 2015 एक्स लिमिटेड परचेज द प्लांट एंड मशीनरी फॉर ₹43,000। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द इफेक्टिव लाइफ ऑफ प्लांट एंड मशीनरी विल बी 10 ईयर एंड आफ्टर 10 ईयर इट्स स्क्रैप वैल्यू विल बी 3,000। On 1st April 2016, the company purchased additional machinery for ₹25,000, of which the effective life will be 15 years and scrap value ₹2,500. On 1st October 2017, a new machinery was purchased for ₹12,000, of which the scrap value will be 2,000 and effective life 20 years. Show that the plant and machinery account up to 31 March 2019 if depreciation is provided on स्ट्रेट लाइन मेथड। देखिए क्वेश्चन में बता रखा है कि 1st अप्रैल 2015 को एक्स लिमिटेड ने एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी 43,000 की। उस मशीन की लाइफ स्पैन बता रखी है 10 इयर्स है, 10 इयर्स बाद की स्क्रैप वैल्यू है ₹3,000। सेम इसी तरीके से 1st अप्रैल 2016 को एक एडिशनल मशीनरी खरीदी 25,000 की, उसकी जो लाइफ स्पैन है वो 15 इयर्स है और स्क्रैप वैल्यू बता रखी है 2,500 की। 1st अक्टूबर 2017 को एक न्यू मशीनरी परचेज करी ₹12,000 की, इसकी स्क्रैप वैल्यू ₹2,000 है और लाइफ स्पेन बता रखा है 20 ईयर का। आपको प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन के मेथड के लिए आपको स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज करना है। देखिए अब किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे ईयरली डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस कर देंगे उसमें से एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, डिवाइडेड बाय कर देंगे एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। तो यहाँ पे पहली मशीनरी परचेज की गई थी 1st अप्रैल 2015 को, 43,000 की मशीनरी थी, इसकी स्क्रैप वैल्यू 3,000 गिवन थी और नंबर ऑफ ईयर जो आपके गिवन थे वो नंबर ऑफ ईयर आपको 10 गिवन थे। अब 10 गिवन थे आपके नंबर ऑफ ईयर, जो कि आपके यहाँ पे आपको नंबर गिवन थे ना, एस्टिमेट लाइफ जो गिवन थी 10 इयर्स गिवन थी, तो आपको डिवाइड करना है 10 से। 43,000 मल्टीप्लाई 3,000 करेंगे 40,000 आएंगे, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ये डिवाइड करके ₹4,000 आएगा, जो कि पर ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा फर्स्ट मशीनरी पे। अब यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज कर रहे हैं तो पूरे साल आपको यही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। इसके बाद सेकंड मशीनरी 25,000 रुपीज की थी, 2,500 का क्या था उस पर स्क्रैप वैल्यू थी, माइनस करने पे जो आपके पास आएगा ना वो माइनस करने पे 22,500 आएगा, डिवाइड कर दीजिए 15 से, क्योंकि 15 इसकी एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट थी। 15 से डिवाइड करने पे जो सेकंड ईयर पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है वो 1500 पर ईयर पे कैलकुलेट करना है। और जो थर्ड मशीनरी थी वो 12,000 रुपीज की थी, माइनस कर दीजिए 2,000 रुपीज जो कि एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू थी, डिवाइड कर दीजिए 20 से। अब माइनस करने पे 10,000 आएगा, 20 से डिवाइड करने पे आपके पास आएगा 500 पर ईयर। तो प्लांट एंड मशीनरी जो पहली प्लांट एंड मशीनरी थी उसमें 4,000 का डेप्रिसिएशन है, दूसरी पे 1500 का है और तीसरी पे 500 का है। अब आपको क्या करना है, आपको प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है। किस तरीके से प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले 1st अप्रैल 2015 को एक मशीनरी परचेज की गई है, तो टू बैंक अकाउंट लिख के अमाउंट के कॉलम में 43,000 मेंशन कीजिए। 31 मार्च लिख के मेंशन कीजिएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 43,000 पे अभी आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, फर्स्ट मशीनरी का कितना कैलकुलेट किया था ₹4,000, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके किया था वो मेंशन कीजिए। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो 31 मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 4,000 को 43,000 में से माइनस करेंगे तो 39,000 आएगा। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब ये 31 मार्च 2016 को फर्स्ट मशीनरी की जो वैल्यू है ना वो 39,000 की है। अब जो बाय बैलेंस कैरी डाउन किया है, इसे बैलेंस को आपको ब्रो डाउन करना है। 2016 फर्स्ट अप्रैल लिख के कीजिएगा टू बैलेंस ब्रो डाउन और 39,000 रुपीज मेंशन कीजिएगा। इसके बाद 1st अप्रैल को ही 2016 में एक और मशीनरी परचेज की गई है, तो टू बैंक अकाउंट लिख के अमाउंट के कॉलम में 25,000 मेंशन कीजिए। अब फिर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो 2017 लिख के 31 मार्च लिख के डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कीजिएगा। तो पहली मशीनरी पे डेप्रिसिएशन तो 4,000 के था, सेकंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कितने का कैलकुलेट किया था हमने, 1500 रुपीज का कैलकुलेट किया था। यहाँ पे प्लस करके अमाउंट के कॉलम में 5,500 आएगा। फिर यहाँ पे 31 मार्च लिख के आपको बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख के फर्स्ट मशीनरी की जो वैल्यू होगी 4,000 को माइनस करना है 39,000 में से, तो 35,000 होगी और 1500 को 25,000 में से माइनस करेंगे तो 23,500 होगी। इन दोनों को प्लस करके 58,500 आएगा। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। 64,000 डेबिट साइड आएगा, 64,000 क्रेडिट साइड आएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो बैलेंस अभी आपने कैरी डाउन किया था इसे फिर को इसको इसी बैलेंस को ब्रो डाउन कीजिए, तो फर्स्ट मशीनरी की वैल्यू है 1st अप्रैल 2017 तक 35,000 है, सेकंड मशीनरी की 23,500 है, अमाउंट के कॉलम में 58,500 आएगा। यहाँ पे एक मशीनरी और परचेज की थी 1st अक्टूबर को, तो टू बैंक अकाउंट लिख के कितने की मशीनरी थी, 12,000 की मशीनरी थी। इसके बाद 2018 लिख के 31 मार्च लिख के बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेगा, फर्स्ट मशीनरी का डेप्रिसिएशन 4,000 था, सेकंड मशीनरी का 1,500 था और जो थर्ड मशीनरी का डेप्रिसिएशन था ना वो 1,250 रुपीज था।
250 क्यों था? क्योंकि यहाँ पे 6 मंथ के लिए आपने कैलकुलेट किया। हालांकि जब आपने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में डेप्रिसिएशन थर्ड मशीनरी का कैलकुलेट किया था ना, 500 रुपीज था, वो पूरे साल का था। बट यहाँ पे तो मशीनरी हमने 1 अक्टूबर को खरीदी है, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन 250 रुपीज भी होगा। अब इनको टोटल करके अमाउंट कॉलम में लिखेंगे तो 64,750 आएगा। जो बैलेंस कैरी डाउन किया था अभी उसको आपको सेम ईयर में 2018 फर्स्ट अप्रैल मेंशन करके ब्रोट डाउन कर देना है। फर्स्ट मशीनरी 31,000 की है, सेकंड मशीनरी 22,000 की है, थर्ड मशीनरी 11,750 की है, अमाउंट की कॉलम में 64,750 आएगा। फिर 2018 लिख के 31 मार्च लिख के बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंशन कीजिएगा, और फर्स्ट मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन 4,000 का लगेगा, सेकंड मशीनरी पे 1,500 का लगेगा, थर्ड मशीनरी पे 500 का लगेगा। तो थर्ड मशीनरी पे 500 का डेप्रिसिएशन इस पर इसलिए लगेगा क्योंकि पूरे साल का डेप्रिसिएशन है। यहाँ पे 250 का इसलिए लगा था क्योंकि 6 मंथ का डेप्रिसिएशन था। अमाउंट की कॉलम में आपका 6,000 रुपीज आएगा। इसके बाद सेम आपको 31 मार्च लिख के बाय बैलेंस कैरी डाउन करना है, तो फर्स्ट मशीनरी 27,000 की है, सेकंड मशीनरी 20,500 की है, और थर्ड मशीनरी 11,250 की है। अमाउंट की कॉलम में 58,750 आएगा। यहाँ पे आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब जो बैलेंस कैरी डाउन किया ना आपको, आपको क्या करना है, आपको ये बैलेंस 2019 ईयर में ब्रो डाउन करना है। 1 अप्रैल 2019 में जो फर्स्ट मशीनरी के बैलेंस होगा, जो फर्स्ट मशीनरी की वैल्यू होगी 27,000 होगी, सेकंड मशीनरी की 20,500 होगी, और थर्ड मशीनरी की 11,250 होगी। अमाउंट की कॉलम में 58,750 आ जाएगा। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।